निजी इवेंट्स एंड डेकोरेटर्स। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, फ्रूट एंड आइसक्रीम स्टॉल, डिजिटल फोटोग्राफी, मॉडर्न फोटो। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में थाना नरही क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा अंजोरपुर गांव के निवासी रामजग राय ने जिलाधिकारी को शिकायत की कि सरकारी संपत्ति को लूटकर उसका साक्ष्य मिटाने और उसी जगह पर ब्रजेश गिरी अपना विद्यालय खड़ा कर रहे हैं। इसकी कवरेज करने के लिए पत्रकार सुरेंद्र कुमार गुप्ता अंजोरपुर पहुंचे तो रामजग राय अन्य लोगों ने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाका से आच्छादित है, जिसको ध्यान में रखते हुए मेरे पूर्वजों द्वारा जमीन देकर सरकार की योजना के अंतर्गत एक बाढ़ राहत केंद्र का निर्माण कराया गया था, जो आज संवेदनशील स्थिति में हो गया है। यह आरोप लगा कि ब्रजेश गिरी बाढ़ राहत केंद्र को तोड़फोड़ कर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। उसी जगह पर निजी विद्यालय दिख रहा है। ब्रजेश गिरी की पत्नी प्रियंका गिरी ने बताया कि यह जीएस की जमीन है और न्यायपालिका में विचाराधीन है। अभी न्यायालय में यह चल रहा है कि न्यायालय द्वारा स्टे है। ब्रजेश गिरी व उनकी पत्नी ने दैनिक जागरण एक संवाददाता के द्वारा पत्रकार सुरेंद्र कुमार गुप्ता को धमकियां दिलवाई कि इस खबर को नहीं चलनी चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि क्या इस मामले की जांच शासन प्रशासन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। लेखपाल ने लिखा है कि आबादी है, जिसपे एसडीएम और कांगो का भी साइन है। ये जमीन आबादी की है और उन्होंने ये भी लिखा है कि इस जमीन पे हम काबिज हैं। जी, उनके कहने का तात्पर्य है कि ये अतिक्रमण है और आप लोग अतिक्रमण करते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो लोग। और वो लोग कुछ पैसे के लिए 50,000 रुपया रंगदारी मांग रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। इसका भी सबूत मेरे पास वीडियो है, जिसमें वो 50,000 रुपया मुझसे मांग रहे हैं कि 50,000 दे दो तो मैं झगड़ा खत्म कर दूंगा। मतलब ये मामला सिर्फ पैसे का है। जी, इसका वीडियो है, मैं आपको अभी दे सकती हूँ, आपके मोबाइल पे मैं भेज सकती हूँ। मेरे मोबाइल में वीडियो बना हुआ है। प्रियंका गिरी है और ये मेरा घर है। जी जी, अभी एक खिलाफत डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन पड़ी थी जी, और आपके ये आरोप लगा दिए संपत्ति किसी व्यक्ति का है और उन्होंने दान पात्र में ये बारे रात में उन्होंने दिया था। नहीं, गलत बात है। ये मेरे बाबा का बनवाया हुआ है, ये हमारा है और इस पे हमारा दीवानी में बात भी चल रहा है और स्टे भी है। जी जी, ये स्टे की कॉपी है। कौन सी स्टे कॉपी है? जी, इसके कोर्ट से आपने स्टे लिया जी। तो ये आपके कहने का तात्पर्य है कि जमीन उनकी नहीं है? नहीं, ये आबादी की जमीन है। एक कौ है ये। हाँ, 1800 शताब्दी में ये गड्ढे के नाम से था और आज से 60-70 साल पहले से ये आबादी कटा हुआ है, जहाँ से मेरे पूर्वज जाके बसे हैं, रहते हैं। जी, मैं उषा राय, पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। जी जी, हम जानना चाहते हैं क्या मजरा है। जी, गांव में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो जनता के बीच में बदरेशन फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी सरकारी सुविधा गवर्नमेंट जनता के लिए दे रही है, उसको कब्जा में करके उसका सबूत मिटा देना और अपने फायदे के लिए उसको कवर कर लेना, यही सब इन लोगों की नीयत है। तो यही सब लोगों को परेशान करने वाली चीज़ है। जी, तो उनके कहने का तात्पर्य यह है हमने ऐसा कोई चीज़ काम नहीं किया है, उनके बयान के अनुसार। जी, तो कहने और सुनने की तो अलग बात है। अब वहाँ मौके पर जो भी हैं वो आप देख चुके होंगे कि किस तरह से उस बाढ़ राहत केंद्र को क्षतिग्रस्त किया गया है और ये सिलसिला करीब 1.5-2 वर्षों से चला आ रहा है। सरकार को इन लोगों ने कई बार मतलब जानकारी भी देने का काम किए कि आपके संपत्ति से इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं सरकार भी इतने लापरवाह हैं कि अपने संपत्ति के सोच नहीं रही हैं या फिर जी अब मानते हैं अपनी संपत्ति को सुरक्षा नहीं कर पा रही सरकार। जी जी, नहीं कर पा रही है तो यहाँ थोड़ा दुख हो रहा है कि जब सरकार अपनी संपत्ति को सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम जनमानस का कितना तेजी सुरक्षा कर पाएंगी। हमारी ही सरकार है लेकिन हम भी इस मुद्दे को लेकर के थोड़ा दुखी हैं। क्या मामला है यहाँ का? यहाँ बाल राहत केंद्र है, सब इसको तोड़ उड़ करके चाह रहे हैं कि ये मतलब ये सरकारी संपत्ति है। हाँ, सरकारी संपत्ति। तो कौन तोड़ रहा है? कि सरकार की जिम्मेदारी इसकी सुरक्षा करना। ब्रजेश गिरी वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये जो संपत्ति तोड़ी जा रही है तो ये तो सरकार की संपत्ति सब है। हाँ,
तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा हम कैसे करें। हाँ, तो क्या इस पर कोई सरकार इस पर पहल नहीं की है? बहुत दो साल से हम कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, मतलब ये सरकार का संपत्ति है, आपके निवेदन पर भी कोई सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी, तो इसमें से क्या क्या गायब हुआ है? इसमें से जंगला हुआ है, दीवार का ईंट गायब हुआ है, यहाँ पर कूलर बना है, उधर उसको तोड़ करके उसी पर पिलर ढाला गया है। जी, तो ये मतलब पूरी तरह से सरकारी संपत्ति जमीन आप लोगों की है? जमीन मेरी। आत्मानंद राय। जी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? अंजोरपुर। जी, क्या क्या बताना चाह रहे थे, क्या चीज़ बताना ये चाह रहे थे? जब मेरे चाचा सीताराम राय जी इस गांव के प्रधान थे, उस समय इस क्षेत्र में कहीं बाढ़ का वो नहीं था सेंटर, तो उन्होंने इस जमीन को देख करके अब फ्लड सेंटर बनवाया, बाढ़ के जितने अधिकारी आएंगे यहाँ रहेंगे और इसको किएंगे। ये तो जर्जर हो चुका है पूरी तरह से, ये तो जर्जर हो चुका है। अच्छा, जर्जर जब इस्तेमाल नहीं होता है तो जर्जरे होगा, तो जर्जर का मतलब ये थोड़ा है कि कोई इसको गवर्नमेंट की चीज़ को कब्जा कर ले। जी, तो कौन कब्जा किया है? रिश्तेदार के गिर के लड़के जो हैं ब्रजेश गिरी वकील हैं और उस नाते वो कब्जा कर रहे हैं। जी जी जी, तो क्या अच्छी शिकायत आप लोगों की किया था? हम लोग की शिकायत ये है कि जैसे हम लोग बाप दादा हमारे दे करके इसको निर्धारित किया है, वो इसको कब्जा न करें, क्योंकि हम लोगों के लिए आए थे, ये पूरी जमीन हम लोगों की थी। जब ये लोग ढह के आए, ये बाग था, पूरा पूरा ये बाग था। जी, पूरा बाग था, बाग में हम लोग इन लोगों को बसाए, हरजनों को, और जिसके पास जमीन नहीं थी, क्योंकि हम लोग इस गांव के जमींदार हैं, ये जमींदारी हमारी है, और बसाए, बसाने का नतीजा ये है कि आज ये हम लोगों को आधा कट्ठा में बसाए गई छः कट्ठा भी ले बाग हम लोग अपना उजाड़ दिए, और बाग में यहाँ से वहाँ तक लिए सब बस रहे हैं। हमारी आज भी नक्शा कोई चाहे देखे, चाहे जो कुछ देखे, नाम हमारा है, हमारी जमीन है। आपके नाम से कागज है? हाँ है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है आप? क्या मामला है? मामला है ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे पूर्वजों ने सरकार को दिया यहाँ बाढ़ राहत केंद्र बनाने के लिए, सरकार ने बाढ़ राहत केंद्र बनाया, उसके बाद में ब्रजेश गिरी नाम के, उनके पिता का नाम ऋखदेव गिरी है, उन्होंने इनको कब्जा करने के फेर में पड़ गया। हमने रोका, थाना पर गया, थाना भी आया, देखा, फिर उसके बाद में पकड़ते पकड़ते इनके पूरे जंगला तोड़ दिए, किवाड़ निकाल दिए, ये टीना निकाल दिए, वो ढाल दिए, उसमें से इसी दीवार पर से अपना ये उधर तो उनका है या आपका है? हमारा ही है। उधर भी हमारा भी है, पूरा जमीन हमारी है, हमारे नाम से है पूरी जमीन, हम लोग की बाग थी, बाग थी। तो स्टेटमेंट दिया जाए, यहां पे बैठा रहे, इनके बाद अपन का ले लीजिए। हाँ जी जी जी, इसके बाद में रोकने पर इन्होंने हमारे ऊपर दो दो मुकदमा किए, थाना पर भी गए, थाना भी नहीं आया, थाना बोला जी जाओ राजस्व विभाग के यहाँ, राजस्व विभाग के यहाँ गया, SDM से ऑर्डर कराया खाली कराने के लिए, उन्होंने लिखा जो लेखपाल पूरी राजस्व टीम को लेकर के पुलिस की मदद से इसको खाली कराया जाए, लेकिन तभी नहीं खाली हुआ। हमने प्रधानमंत्री नहीं, ये मंत्री जी उपेंद्र तिवारी जी इसको ले आकर के दिखाए, उन्होंने कहा 3 दिन में खाली कराएंगे, लेकिन साल भर से अभी तक नहीं आए। इसी तरह का मंत्री जी की बात छोड़ दीजिए, आप मुझे ये चीज़ बताइए, आप इसकी शिकायतें क्या आप उच्च अधिकारियों को दिया, तो उनके द्वारा क्या हुआ हमको दो आदमी बताइए। SDM ने ऑर्डर कराया, ये पुलिस टीम को लेकर राजस्व विभाग जा करके उनको खाली कराए जी, लेकिन अभी तक खाली नहीं हुआ। जी जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इसको खाली कराना चाहते हैं, जमीन हमारी है, इसके आगे वाला जमीन अभी हमारी है, ये तो सरकार को दिया गया, वो जमीन तो अभी हमारी है, ये पूरा कब्जा करने के फिर पड़ गए हैं, जबरदस्ती कब्जा करेंगे, फिर तोड़ फोड़ करके देखिए उस दीवार में कितने छेद किए हैं, इसी पर से ढाल रहे हैं, इसी दीवार पर से।